एक ऐसा देश जिसके राजा हैं दुनिया के सबसे बड़े अय्याश, जिनको फिर भी भगवान समान मानना है वहाँ के लोगों की मजबूरी। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर पे निकले हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की, वो देश जहाँ हर चंचल मन का मर्द जाना चाहता है। एक ऐसा देश जिसके पास है बेहद खूबसूरत बीचेस, आइलैंड्स, माउंटेन्स और दुनिया के सबसे आरामदायक मसाज पार्लर्स। जी हाँ दोस्तों, इस देश में अगर गलती से आप अपनी टी शर्ट पहन के गाड़ी ना चलाएं और गलती से अगर आप घर से बाहर निकलते समय अपनी चड्डी पहनना भूल जाएं, तो आपको पुलिस जेल में डाल देगी। ये बात हैरान कर देने वाली ज़रूर है, पर दोस्तों है सच। दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली मॉनिटर लिजर्ड भी इसी देश में पाई जाती है। 12 फीट की शार्क हो या 10 फीट का सांप, और कई ऐसे अनोखे छोटे छोटे जानवर सिर्फ और सिर्फ थाईलैंड में ही पाए जाते हैं। आज जहां सब न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं, वहां आज भी थाईलैंड जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करता है। थाईलैंड की 90% पॉपुलेशन बौद्ध धर्म को मानती है। आपको जान के हैरानी होगी कि थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। यही नहीं, थाईलैंड में 40,000 से ज़्यादा मंदिर हैं और यहाँ भी भारत की तरह रामायण पढ़ी जाती है। यहाँ के राजा अपने आप को श्री राम का वंशज मानते हैं। बैंकॉक ने पिछले कुछ सालों में बहुत सुर्खियाँ बिखेरी हैं। यहाँ की मसाज पूरे एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। पर सच तो यह है दोस्तों कि बैंकॉक मसाज की आड़ में देह व्यापार और वैश्यवृत्ति कर रहा है। पूरी दुनिया से चंचल मन के लोग यहाँ अक्सर आते हैं और अलग अलग प्रकार की मसाजों का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि एशिया के अंदर HIV संक्रमण में बैंकॉक का पहला स्थान है और उसकी वजह है यह अपार वैश्यवृत्ति। बैंकॉक में टूरिज्म की बात करी जाए तो शॉपिंग के लिए खाओ सॉन रोड एंड कैट्यूचेक मार्केट और नाना प्लाजा बहुत फेमस हैं। यहाँ कई बड़ी बड़ी ब्रांड्स की वॉचेस, गॉगल्स, कपड़े और गर्ल्स कॉस्मेटिक बहुत ही कम दामों में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ग्रैंड पैलेस, टर्मिनल 21, काओ फ्रेया रिवर, सी लाइफ ऑफ बैंकॉक म्यूजियम यहाँ के कुछ खास टूरिज्म अट्रैक्शंस में से हैं। बैंकॉक के मंदिर भी अपने आप में एक दंग करने वाला नज़ारा है। एक्चुअल में यहाँ पर बनी है 50,000 किलो की सोने की मूर्ति। पटाया, जो कि एक पार्टी लोकेशन माना जाता है क्योंकि सड़क के हर तरफ क्लब्स, DJ, पार्टी, दारू और काफ़ी अद्भुत नज़ारे वाले बीचेस हैं। यहाँ पे पटाया एक मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में भी शामिल हो गया है और सभी तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ लाइक पैरासेलिंग, जेट स्की एट्सेट्रा आपको यहीं करने को मिलेगी। पटाया में मिलेंगे वियतनाम के मेकोंग जैसा फ्लोटिंग मार्केट, तो वहीं फुकेट, जो बैंकॉक की एक ट्रिप को सबसे स्पेशल और खूबसूरत बनाने वाला है क्योंकि यहाँ पे है क्रिस्टल क्लियर पानी जिसमें डाइविंग, स्नॉकलिंग और स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज़ कुछ खास मज़ा दे जाती हैं। यहाँ पे फुकेट एक बहुत ही बड़े हनीमून स्पॉट की तरह उभर रहा है, ना सिर्फ इंडिया बल्कि एशिया के लिए भी। फुकेट के बीचेस से जब आपका मन भर जाए तो आप यहाँ के शॉपिंग, अलग अलग प्रकार की एंशियंट चाइनीज आर्किटेक्चर और मार्केट्स एवं रेस्टोरों देख सकते हैं। यहाँ का खो लेक के पास है दुनिया के सबसे विशाल बीचेस, आसपास घने जंगल हैं और कई झरने। यहाँ पे अगर यार दोस्तों का ग्रुप आ जाए तो कब सुबह से शाम हो जाए पता ही नहीं चलता। खाओ नेशनल पार्क जाना ना भूले दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपको दिखेगा दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया एर्नोल्डी। जी हाँ दोस्तों, ये फूल है 3 फिट बड़ा। अगर हम बात करें कराबी आइलैंड की, तो अगर आपकी हुई है नई नई शादी तो सब छोड़ो और बस यहाँ दौड़ो। यहीं पे मिलेंगे आपको सबसे ज़्यादा बीच रिजॉर्ट्स, कमरे ऐसे जो आपका मन मोह लें, और बीच के आसपास हर तरफ प्रेमियों की चहल पहल शाम में 4 चांद सा लगा देगी। दोस्तों, तो ये खूबसूरत वादियाँ अगर आप करीब से देखना चाहते हो और महसूस करना चाहते हो तो लगभग 30-35 हज़ार की रिटर्न टिकट कटाओ और झट से घुमाओ। यहाँ पे
बैकपैकर्स के लगेंगे 400 पर डे अगर वो हॉस्टल लेते हैं, वहीं पे अगर आप एवरेज होटल लेना चाहते हैं तो 1,000 से 2,000 रुपये पड़ेगा। बैंकॉक में मेन जो खर्चा होता है वो होता है वाटर स्पोर्ट्स और वाटर एक्टिविटीज़ का। अगर आपको दोस्तों वीडियो में कोई कमी लगे तो मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, और अगर ना लगे तो खूब सारा सब्सक्राइब और शेयर करें।